हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी एमवीसी सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है एजेक्स एक्शन लिंक। यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम एजेक्स बिगिन फॉर्म पे किस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एजेक्स डॉट एक्शन लिंक को यूज़ करते हुए एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने व्यूज़ के ऊपर। तो आज की इस एग्जांपल के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम एजेक्स एग्जाम्पल, ठीक है। और आज की इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे और स्टूडेंट के टेबल के अंदर हम बेसिकली रखेंगे तीन फील्ड्स। तीन फील्ड्स कौन सी होंगी, वो तीन फील्ड्स होंगी आपके पास, हम स्टूडेंट का आईडी रखेंगे, स्टूडेंट का नेम और लास्ट में स्टूडेंट का मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और देखेंगे कि किस क्या एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर जाकर एक टेबल क्रिएट करते हैं, ऐड टेबल। और इस टेबल हमने किस नेम से क्रिएट करना था, हमने स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट करना है। और फिर क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद हमने यहाँ पर आके इसको आइडेंटिटी कॉलम दे देते हैं और यहाँ पर आकर हमने ये टेबल बना लिया और इसके अंदर तीन फील्ड रखे हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। और इसको अपडेट करते हैं और यहीं से जो है वो हम कुछ डमी डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये डमी डेटा इसलिए ऐड कर रहे हैं वरना फिर हमें अपडेट का फॉर्म बनाना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को जल्दी से कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर डेटा जो है वो डायरेक्टली यहीं से ऐड कर दूंगा। तो शो टेबल डेटा में जाकर यहीं से स्टूडेंट का जो डेटा है ना वो ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ बोल देता हूँ असद और इसको हम बोल देते हैं 85, यहाँ पर बोलते हैं अहमद। हमने यहाँ पर कुछ डमी डेटा ऐड कर लिया स्टूडेंट के टेबल के अंदर। और अब चलते हैं कोडिंग की तरफ कि हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आके इसको हम बोल लेते हैं STDDB के नाम से हम जो है कि स्टूडेंट मॉडल बना देते हैं और यहाँ से डिज़ाइनर सेलेक्ट करते हैं, इसी नाम से हमने डेटाबेस बनाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देते हैं और एग्जाम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और डेटाबेस का जो टेबल है उसको ऐड करवाते हैं और फिर फिनिश करते हैं। तो फिनिश करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे पास जो है वो मॉडल क्लास जो है वो जनरेट करके दे देगा। सो फाइनली हमारे पास हमारा जो है ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल भी बन चुका है। अब अगला स्टेप जो होगा वो हम यहाँ पर न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब हमें किस पे काम करना होता है, जब हमें एजेक्स पे काम करना होता है तो हमें जो है वो एजेक्स का पैकेज यहाँ पर इंक्लूड कराना पड़ता है स्क्रिप्ट फाइल्स को। तो यहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कौन सी है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट jQuery एजेक्स, ठीक है। इसको ऐड करवाते हैं ताकि हमारे पास ये जो है इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो हम उनको यूज़ कर सकें अपने पेज के ऊपर। उसके बाद अगला काम हमारा होगा कि हम यहाँ पर जाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ और इस कंट्रोलर एम्प्टी कंट्रोलर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। जैसे ही हम स्टूडेंट कंट्रोलर बना लेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर के बाद हमारे यहाँ पर आकर हम जो है वो मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दूंगा एजेक्स एक्शन लिंक डॉट मॉडल्स, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है वो कॉन्टेक्स्ट फाइल का रेफरेंस देना है यहाँ पे। तो एजेक्स एग्जाम्पल एंटिटीज के नाम से वो बना है, DB इक्वल्स टू न्यू एजेक्स एग्जाम्पल एंटिटीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा इंडेक्स मेथड है,
ठीक है। अब इंडेक्स मेथड के अंदर जो है ये हमारा जो इंडेक्स पेज आ रहा है, यहाँ पर जाकर हम इसका व्यू लोड करेंगे। तो यहाँ पर जाके मैं इसको बोलता हूँ ऐड। अच्छा, यहाँ पर जाके हम ऐड करवाते हैं व्यू, और इस व्यू पे हम कुछ भी जो है इसको एम्प्टी रखेंगे और ऐड करवा देंगे। सो हमारा इंडेक्स पेज आ चुका है। अब इंडेक्स पेज पे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है, इसके बाद में जो है एचआर यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर बेसिकली काम क्या करना है, हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का डेटा आए ना, तो स्टूडेंट का डेटा आना चाहिए, और उसके लिए हम तीन लिंक बनाएंगे। एक लिंक क्या काम करेगी, एक लिंक जो है वो बेसिकली ऑल स्टूडेंट का डेटा लेकर आएगी। सेकंड लिंक क्या करेगी, सेकंड लिंक जो है वो टॉप 3 स्टूडेंट्स का डेटा लेकर आएगी बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपके पास बॉटम 3 जो आपके पास स्टूडेंट हैं उनका डेटा लेकर आएगी। तो हम यहाँ पर आकर एजेक्स की 3 लिंक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिसको यूज़ करने लगे मेथड को, वो हमारे पास क्या है, एड एजेक्स, ठीक है। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एजेक्स डॉट एक्शन लिंक, ठीक है। अब एक्शन लिंक के पास हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आपके पास जो है वो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक हमारे पास होगा ऑल स्टूडेंट का मेथड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या यूज़ होता है, सेकंड पैरामीटर अगर आप देखें कि एक्शन लिंक पे, ये तो पहला तो टेक्स्ट है, ठीक है। दूसरा आपके पास मेथड का नेम, तो मेथड का नेम भी हमने रखेंगे स्टूडेंट। अभी ये मेथड हमने कहीं बनाया नहीं है, इस मेथड को हम बनाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से तो डेटा आएगा, ये तो सिर्फ हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आके थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास एजेक्स ऑप्शंस का, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आकर हम लिखेंगे न्यू एजेक्स ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आके एजेक्स ऑप्शंस डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या डिफाइन कर रहे होंगे, तो HTTP मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हम जो है वो गेट मेथड को यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ है अपडेट टारगेट आईडी, यानी ये जो डेटा आपके पास शो होगा वो किस जगह रिफ्लेक्ट होगा जो इस रिक्वेस्ट से डेटा आएगा। तो हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे जिसको देंगे डिव स्टूडेंट नाम। उसके बाद यहाँ पर आकर हम यूज़ करेंगे इंसर्शन मोड डॉट, ठीक है, इंसर्शन मोड, और इसको बोलेंगे इंसर्शन मोड इक्वल्स टू के पास रिप्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये हमारा एक्शन लिंक हमने डिफाइन कर दिया। अब ये एक एक्शन लिंक है जो हमें ऑल स्टूडेंट का डेटा ला के देगा। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक डिव बनाएंगे और उसको एक आईडी असाइन कर देंगे, और वो आईडी कौन सी होगी, जो आईडी हमने यहाँ डिफाइन की है। तो यहाँ पर हमने बोला है डिव स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी जो भी इस लिंक के थ्रू, यानी इसके मेथड से जो भी डेटा हमें मिलकर आएगा वो कहाँ जाएगा, वो इस डिव में आकर हमारे पास शो हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि हम तीन लिंक्स बनाएंगे, तो इसी तरह से मैं एक और आपके पास यहाँ पर लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आके इससे पहले मैं यहाँ पर एक स्पेन यूज़ कर लेता हूँ। स्पेन से हम जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं, इनके दरमियान एक लाइन क्रिएट कर रहे होंगे। तो स्पेन स्टाइल, और इसको कलर दे देते हैं हम कलर ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर। और यहाँ पर ये जो है ये लाइन यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आके एक और लिंक क्रिएट करते हैं। अब ये लिंक क्या दिखाएगी हमें, टॉप 3 स्टूडेंट दिखाएगी। तो लिंक पे हमें टॉप 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर आके इसके मेथड का नाम हम रख देते हैं टॉप 3, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो मेथड बनाऊंगा, एक्शन मेथड बनाऊंगा, जहाँ से डेटा आएगा वो होगा टॉप 3 के नाम से, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद यहीं पे इसी लिंक को अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि बॉटम 3। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉटम 3 स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हम बोल देते हैं बॉटम 3, सही है। तो सेव करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अब क्योंकि इस कोड को अगर वर्क करवाना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी स्क्रिप्ट, ठीक
ठीक है, तो जो हमने डाउनलोड की थी स्क्रिप्ट के टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड की थी, तो मैं यहाँ के स्क्रिप्ट के फोल्डर में आके सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है जे क्यूरी, तो मैं यहाँ से जे क्यूरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और जे क्यूरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये मुझे जे क्यूरी अन ऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स वाली फाइल चाहिए, तो इन दोनों फाइल की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, इनके बगैर हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। सो अभी अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि अभी हमारे पास यहाँ पर तीन लिंक्स शो होंगे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई बैकएंड कोडिंग वगैरह परफॉर्म नहीं की है। अब यहाँ पर तीन लिंक्स आ रहे होंगे, हम चाहते क्या हैं कि जैसे ही मैं एक लिंक पे क्लिक करूँ, जैसे ऑल वाली लिंक पे क्लिक करूँ, तो बगैर रिफ्रेश हुए जैसे ऑल स्टूडेंट आ रहा है, ऑल स्टूडेंट की लिंक पे क्लिक करूँ तो उसका डेटा यहाँ जो डिव हमने बनाया हुआ उसके अंदर शो हो जाए, ठीक है, टॉप थ्री स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो उसका डेटा शो हो जाए, बॉटम थ्री स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो उसका डेटा शो हो जाए। तो अब उसको किस तरह से शो करेंगे, तो हम उसके लिए अब कोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पर मेथड्स, ठीक है, एक्शन मेथड, जैसे कि हमने वहाँ पर डिफाइन किया। तो सबसे पहला पब्लिक एक्शन रिजल्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, बोलते हैं एक्शन रिजल्ट, और उसका नाम हमने क्या रखा था, ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब ये ऑल स्टूडेंट का डेटा हमारे पास क्या करेगा, हम यहाँ पर एक कोडिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आकर बेसिकली हम एक्शन रिजल्ट की जगह यूज़ करेंगे पार्शल व्यू को, पार्शल व्यू रिजल्ट को। बेसिकली पार्शल व्यू रिजल्ट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे पार्शल व्यू। अब ये पार्शल व्यू करेंगे क्या, ये बेसिकली पार्शल व्यू आपको कुछ डेटा रिटर्न करेंगे, और इन सब पार्श जितने भी हम यहाँ पर तीन पार्शल व्यू जो बनाएंगे, एक ऑल स्टूडेंट का, एक टॉप थ्री स्टूडेंट्स का और एक बॉटम थ्री स्टूडेंट का, वो क्या करेंगे, वो एक ही पार्शल व्यू को यूज़ करते हुए वो डेटा वहाँ पर सेंड करेंगे इंडेक्स के पेज पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और लिस्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास डेटा लिस्ट में आएगा, तो यहाँ पर आकर हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट ही, स्टूडेंट के लिस्ट बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एसटीडी, और यहाँ पर आके बोल लेते हैं डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, जिस तरह से हम सारा डेटा शो करने के लिए टू लिस्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है, ये हम पार्शल व्यू को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न पार्शल व्यू, ठीक है, और पार्शल व्यू को ये डेटा पास कर देंगे। तो यहाँ पर आके पार्शल व्यू का नाम बताएंगे, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से हम पार्शल व्यू बनाएंगे और इसको हम पास करेंगे एसटीडी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करते हैं, सही है, और देखें क्रिएट एज पार्शल व्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर जाके इसको बोलता हूँ लिस्ट, ठीक है, और स्टूडेंट, और इसकी डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ऐड करवाते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह शो करेगा। अब ये कॉमन जो है, ये देखें बना है किस नाम से, ऑल स्टूडेंट के नाम से बना है, हमें इसको ऑल स्टूडेंट के नाम से नहीं बनाना था। तो मैं यहाँ पर जाकर एक हमने मिस्टेक की है, हम यहाँ पर आके क्योंकि हम कॉमन यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी इसको डिलीट करता हूँ, और ऑल स्टूडेंट की जगह इसको हम अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ, और यहाँ पर आकर हम बोल लेते हैं लिस्ट, और यहाँ पर आके स्टूडेंट। सो पार्शल व्यू आ चुका है, इसके अंदर वो लिंक्स वगैरह हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से ये भी एक्शन लिंक्स वगैरह रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर आके इसको एक और टेबल क्लास दे देते हैं, टेबल बॉर्डर, सही है। और उसके बाद यहाँ पर आके स्टूडेंट पे, अब यहाँ पर हमें दूसरे मेथड्स जो लिखने थे, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस मेथड का नाम हम रख लेंगे टॉप थ्री, क्योंकि हमने यही रखा था, तो टॉप थ्री। अब टॉप थ्री स्टूडेंट के लिए हमारी जो क्यूरी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आके हम क्यूरी में क्या पास करेंगे, हम यहाँ पे टू लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डी बी डॉट स्टूडेंट, उसके बाद हमें यहाँ पर मेथड मिलता है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हमारे पास क्या लेकर आएगा, जो टॉप थ्री स्टूडेंट होंगे बेस्ड ऑन मार्क्स वो लेकर आएगा। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये बताना है कि हमारे पास किस जिस किस फील्ड की बेसिस पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय क्यूरी लगानी है। तो मैं यहाँ पर एक्स ऑफ एक्स, ठीक है,
एक्स डॉट कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पर आके कितने डेटा लेकर आना है, तो हमें टेक थ्री, यानी टेक का मेथड आपको ये बताता है कि आपको कितने डेटा को रिसीव करना है। तो मुझे यहाँ पे तीन डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टेक थ्री को यूज़ किया, और उसके बाद टू लिस्ट, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा डेटा है, तो मैं यहाँ पर टू लिस्ट करके उसको पास कर रहा हूँ। इसी तरह से जो हमारा बॉटम थ्री है, तो बॉटम थ्री के लिए भी हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, और बॉटम थ्री में जाकर भी हम यहाँ पर ऑर्डर बाय को यूज़ करेंगे। तो ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, तो उसके लिए पहले इस मेथड का नाम बॉटम थ्री करते हैं, और यहाँ पर आके डी बी डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, टू लिस्ट तो हमारे पास यूज़ होना ही है, तो कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आकर मैं बोल देता हूँ बॉटम बॉटम थ्री स्टूडेंट्स के बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है डॉट लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ऑर्डर बाय, ठीक है, अब डिसेंडिंग नहीं, ऑर्डर बाय यूज़ करना है, और यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन पास करनी है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे ऊपर पास की थी कि किस फील्ड की बेसिस पे हमें डेटा गेट करके लाना है, स्टूडेंट मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर भी हम टेक यूज़ करेंगे, और टेक से यह बताएंगे कि कितने रिकॉर्ड लेकर आने हैं, तो तीन रिकॉर्ड लेकर आने हैं, डॉट टू लिस्ट किया, और उसके बाद रिटर्न किया पार्शल व्यू को, और ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। सो अब होगा क्या कि हमने यहाँ पर जैसे इस अगर हम इंडेक्स के पेज पर आते हैं, तो हमने तीन लिंक्स क्रिएट किए थे ना, एक्शन लिंक ऑल स्टूडेंट, ठीक है, टॉप थ्री स्टूडेंट और बॉटम थ्री स्टूडेंट। तो अब ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली जब हम जिस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो पार्शल व्यू को उसके लिए अपडेट करेगा, और आपके पास डेटा वहाँ पर शो करवा देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हमारे पास ये पेज लोड हो चुका है, मैं यहाँ से ऑल स्टूडेंट की लिंक पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए, मैंने ऑल स्टूडेंट की लिंक्स पे क्लिक किया, तो हमारे पास ऑल स्टूडेंट का डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ से टॉप थ्री पे क्लिक करता हूँ, तो देखें टॉप थ्री जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे वो यहाँ पर गेट हो गए। इसी तरह से मैं बॉटम थ्री पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो बॉटम थ्री थे वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं जैसे चेंज करता रहूँगा, उसी तरह से ये डेटा मुझे ला के बेस्ड ऑन मेरे लिंक पे एक्शन पर वो मुझे डेटा ला कर देता रहेगा। तो ये जो काम है वो हम एजेक्स डॉट एक्शन लिंक के थ्रू कर सकते हैं, और आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डेटा जो है, मकसद कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जस्ट हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, और जिस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं उस पे जो हमने क्यूरी लगाई हुई है, जो एक्शन मेथड में हमने डेटा फिल किया हुआ है, वही डेटा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये तो हो गया एक काम, ठीक है। अब दूसरा, इसके अंदर हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने ये भी देखा था कि हमारे पास बहुत सारे जो है ना एजेक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पेज के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक लोडिंग बार भी शो हो, लोडिंग शो हो, और उसके बाद जो है ना हमारे लिंक का डेटा शो हो, यानी जो भी हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट है वो शो हो, तो हमें यहाँ पर आकर अपने एजेक्स ऑप्शन में एक और ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर हम यूज़ करेंगे लोडिंग एलिमेंट आईडी, ठीक है। लोडिंग एलिमेंट आईडी क्या है, वो एरिया है जिसको आप क्या कह रहे हैं, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो लोड करेगा, लोडिंग वाला काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ div, और इसको बोल देते हैं div लोडिंग, ठीक है, और ये सारे मेथड में हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इस वाले मेथड में भी ये बोल देता हूँ, और इसी तरह से इस मेथड में भी ये बोल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे ये div लोडिंग वाला जो है वो क्या है, डिव भी चाहिए, तो मैं इस स्टूडेंट वाले डिव से पहले ये डिव बनाता हूँ, और इसके अंदर इसका जो टाइप है, इसकी जो आईडी है वो हम देंगे डिव लोडिंग, सही है। और उसके बाद इसके स्टाइल पे हम पास करेंगे डिस्प्ले नन, यानी फर्स्ट जब स्टार्टिंग हमारा पेज लोड हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो लोडिंग बार शो ना हो। उसके बाद यहाँ पर आकर हमें एक इमेज चाहिए। अब ये इमेज किस टाइप का होगा, बेसिकली हमें एक ऐसा इमेज चाहिए जो कि गिफ इमेज होगा, जो हमारे पास कुछ लोडिंग बार वाला काम कर रहा होगा। तो एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ मैं ब्राउज़र पे देख लेता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है। सो
देखें ये मेरे पास लोडिंग वाली इमेज, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये लोडिंग वाला काम कर रही है। तो ये इमेज जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लाकर इस प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट के फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर इसको कॉल करवा लेते हैं। तो कंटेंट के फोल्डर में ये पड़ी है लोडिंग डॉट गिफ, ठीक है, और सेव करते हैं। अच्छा अब एक और काम करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा, और यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे, सही है। अच्छा अब एक और काम करना है, एक और काम ये करना है क्योंकि हमारे जो एजेक्स की रिक्वेस्ट है वो बहुत जल्दी लोड हो जाती है, तो हमें कभी ये डिव वाला इफ़ेक्ट्स दिखेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे और अपने जो एक्शन है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करवाएंगे खुद, ताकि हमारे पास ये जो लोडिंग वाली जो हमारी इमेज है वो भी डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग डॉट स्लिप, ठीक है, थ्रेडिंग डॉट ट्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। और यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर हमने ये पास कर दिया। अब ये मिली सेकेंड में होता है, यानी अगर हम यहाँ पर 1000 में हमने दिया है तो 1000 मिली सेकेंड बराबर होते हैं 1 सेकेंड के। तो मैं यहाँ पर आके सारे जितने मैंने तीनों मेथड बनाए हैं उनके अंदर ये पास कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमारे पास लोडिंग इफेक्ट हमें शो हो। तो अब जाके हम अपने व्यू को रन करते हैं। हमारा पेज जो है वो लोड हो चुका है, और मैं यहाँ पे ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये लोडिंग बार शो हो रही है, ठीक है, और हमारे पास ये डेटा भी आ गया। इसी तरह टॉप 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखें लोड हुआ और उसके बाद शो हो रहा है। इसी तरह से बॉटम 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो जब भी मैं कोई एक नई रिक्वेस्ट करूँगा तो वो जो लोडिंग वाला हमारा इमेज है वो आएगा और वो थोड़ी देर तक 1 सेकेंड तक वो दिखेगा और उसके बाद हमारा डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। टॉप 3 स्टूडेंट पे जाता हूँ, इसी तरह से बॉटम 3 पे जाता हूँ, तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है। हमने आज के इस लेक्चर में यही देखा कि हम एजेक्स एक्शन लिंक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी पहले हमने HTML डॉट एक्शन लिंक को यूज़ किया था, वो किसका हेल्पर मेथड था, वो HTML का था, लेकिन ये जो आपके पास हेल्पर मेथड है ये किसका, एजेक्स का है, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप पार्शल पेज रेंडरिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।